हाय फ्रेंड, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एडिटर आनंद में। तो फ्रेंड, आपने अभी जिस स्टेटस वीडियो को वीडियो के स्टार्टिंग में देखा है, आज हम कुछ उसी प्रकार से स्टेटस वीडियो बनाने वाले हैं। तो वीडियो बनाना बहुत ही आसान है, आपको वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आप स्टेप बाय स्टेप समझ पाएँ कि वीडियो को कैसे एडिट करना है। तो इस वीडियो को बनाने के लिए हमें एक एप्लीकेशन चाहिए जिसका नाम है कैन मास्टर। तो एप्लीकेशन आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो, मैंने लिंक वहां पर देकर रखा है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले, आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन को प्रेस करो ताकि जब मैं कोई ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड, हम वीडियो को एडिट करने के लिए अपने कैन मास्टर एप्लीकेशन में आ गए हैं। अब यहां से आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। उसके बाद में यहां से आपको 1.1 का रेशियो ले लेना है। लेने के बाद आपको यहां पर मीडिया में चले जाना है और यहां से अपने फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना है। जिस भी फ़ोटो पर आप बनाना चाहते हैं, आप चाहें तो यही फ़ोटो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद इसकी लेंथ को हमें कुछ इस प्रकार से खींच कर बढ़ा देना है। यहाँ पर आप जितने सेकेंड का चाहें उतने सेकेंड का रख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ से हमें पेन एंड जूम में आना है और इसे हमें बराबर कर देना है और इसे फ़ोटो को हमें कुछ इस प्रकार से दोनों फिंगर से जूम करके सेट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ से हमें ओके कर देना है। अब यहाँ से हमें स्टार्टिंग पोजीशन पे आ जाना है। उसके बाद में यहाँ पर हमें लेयर में जाना है और यहाँ पर इफ़ेक्ट में जाना है और यहाँ पर जब हम सबसे नीचे आएँगे तो यहाँ पर हमें एक बेसिक इफ़ेक्ट मिल जाएगा, तो इसमें हमें जाना है। उसके बाद में यहाँ पर हमें फर्स्ट वाला सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हमें ओके कर देना है और इसकी लेंथ को हमें कुछ इस प्रकार से बढ़ा लेना है, यहाँ पर रख देना है। रखने के बाद यहाँ पर इसकी जो ब्लर वाला है, इसे साइज को हमें कुछ इस प्रकार से बढ़ा लेना है। बढ़ाने के बाद यहाँ पर हम आएँगे यहाँ पर सेकेंड वाले में और इसे हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं। कम करने के बाद यहाँ से हमें ओके कर देना है और यहाँ से हमें स्टार्टिंग पोजीशन पे आ जाना है। और अब हमें फिर से लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है। उसके बाद में यहाँ पर हमने एक टेम्पलेट बनाकर रखा है जो ग्रीन स्क्रीन है, तो इसे आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यह रहा मेरा टेम्पलेट। अब इसे हमें कुछ इस प्रकार से इसे जूम कर लेना है। अब जूम करने के बाद यहाँ पर आना है क्रोमा की में। क्रोमा की में आने के बाद इसे हमें इनेबल कर देना है और ध्यान आपको यह रखना है जो की का कलर है वो यहाँ पर हमें ब्लू ही रहना चाहिए। उसके बाद में इसे हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, तो आप भी फ्रेंड अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। उसके बाद में यहाँ से हमें ओके कर देना है और इस वीडियो को एक बार हमें सेव कर लेना है। तो यहाँ से हम चलेंगे, इसे सेव करेंगे। उसके बाद में चलिए मैं पहले अपने इसको सेव कर ले रहा हूँ अपने फ़ोन में। अब फ्रेंड आपको यहाँ से बैक आ जाना है। अब यहाँ से हम फिर से प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर 1.1 का रेशियो ले लेंगे। लेने के बाद आपको यहाँ पर मीडिया में चले जाना है और बैकग्राउंड में जाना है और यहाँ से आपको किसी भी एक कलर का बैकग्राउंड का सिलेक्शन कर लेना है। तो यहाँ से मैं ब्लैक लूँगा। उसके बाद इसकी लेंथ को कुछ इस प्रकार से बढ़ा लेना है और यहाँ से हमें ओके कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर हमें लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है और जो वीडियो अभी एक्सपोर्ट किया था उसे हमें सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हमें कुछ इस प्रकार से इसे खींच कर बढ़ा देना है। अब यहाँ पर आपको बढ़ाने के बाद यहाँ पर आना है क्रोमा की में। क्रोमा की में आने के बाद इसे हमें इनेबल कर देना है और यहाँ से हमें ओके कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर हम लेयर में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे और अपने उसी फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेंगे जिस फ़ोटो को हमने पहले सिलेक्ट किया था। तो यार हमारा फ़ोटो, अब हमें कुछ इस प्रकार से इसे हल्का सा जूम कर लेना है और यहाँ पर हमें 3 डॉट पर क्लिक करना है और इसे सेंड टू बैक कर देना है। बैक करने के बाद इसकी ड्यूरेशन को कुछ इस प्रकार से हमें बढ़ा लेना है और अपने फ़ोटो को कुछ अपने हिसाब से सेट कर लेना है। इस प्रकार से देख सकते हो फ्रेंड मैं कैसे कर रहा हूँ, आप भी इसी प्रकार से कर लेना। उसके बाद में यहाँ पर हम इस वीडियो को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम क्रोमा की में आएंगे और इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं ताकि हमारा देखने में और अच्छा लगे। अब यहाँ से हमें ओके कर देना है और यहाँ से हमें स्टार्टिंग पोजीशन पे आ जाना है।
तो फ्रेंड देख सकते हो हमारा वीडियो अभी कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। अब इसमें हम एक टेम्पलेट ऐड करेंगे, तो यहाँ पर हम लेयर में चलेंगे, मीडिया में चलेंगे और यहाँ से अपने टेम्पलेट को ऐड कर लेते हैं। तो उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर हमें कुछ इस प्रकार से क्लिक करना है, यहाँ से हमें फिल स्क्रीन कर देना है। उसके बाद यहाँ से हमें बैक आना है। बैक आने के बाद यहाँ पर नीचे के साइड में आएंगे तो हमें ब्लेंडिंग का ऑप्शन दिख जाएगा। आने के बाद यहाँ पर हमें इसे स्क्रीन कर देना है। अब स्क्रीन करने के बाद यहाँ से हमें ओके कर देना है। उसके बाद में यहाँ से हमें लेयर में जाना है और यहाँ पर हमें टेक्स्ट में जाना है। टेक्स्ट में जाने के बाद यहाँ पर आप जो लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर लिखूँगा फेल दिस सॉन्ग, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। आप जो चाहें वो लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या लिखना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं फेल दिस सॉन्ग लिख के ओके कर दे रहा हूँ। और उसके बाद में हम इसे थोड़ा सा जूम करेंगे और यहाँ पर हम नीचे के साइड में कुछ इस प्रकार से लाएंगे। लाने के बाद यहाँ पर हम फॉन्ट की स्टाइल में जाएंगे और यहाँ से आपको बहुत सारे फॉन्ट की स्टाइल मिल जाएंगे, तो आपको जो पसंद है वो रख सकते हैं। मुझे ये वाला ज़्यादा पसंद है तो मैं इसी को रख लेता हूँ। उसके बाद इसे हम थोड़ा सा और जूम करेंगे। अब जूम करने के बाद यहाँ पर हम कुछ नीचे के साइड में इस प्रकार से आएंगे, तो यहाँ पर शैडो है जो, इसे हमें रेड कर देना है। तो यहाँ पर मैं रेड कर ले रहा हूँ और इसकी ड्यूरेशन को हमें कुछ इस प्रकार से बढ़ा लेना है। अब बढ़ाने के बाद यहाँ से हमें ओके कर देना है। अब यहाँ पर आता है सॉन्ग लगाने की बात, तो यहाँ पर हम ऑडियो में जाएंगे और जो सॉन्ग पसंद है हम उस सॉन्ग को ले लेते हैं। तो जैसे मुझे ये वाला सॉन्ग पसंद है, इस पर क्लिक करेंगे, प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे और हमारा सॉन्ग ऐड हो जाएगा। अब फ्रेंड मैं आपको थोड़ा सा प्ले कर दिखा दे रहा हूँ कि कैसा हमारा वीडियो बनकर तैयार हुआ है। तो फ्रेंड देख सकते हो हमारा वीडियो कुछ इस प्रकार से बनकर तैयार हुआ है। अब इसे हमें सेव करने के लिए यहाँ पर शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आप जैसी क्वालिटी चाहें वैसी क्वालिटी रख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। और यहाँ पर एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना है और आपका वीडियो एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। फ्रेंड हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना और साथ में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। आज की वीडियो पर एंड करते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं एक नए वीडियो में।